राजधानी देहरादून में एसटीएफ को पेपर लीक मामले में बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के भर्ती घोटाले की अब तक की जांच में राज्य के 9 जिलों में नकल माफिया का जाल सामने आ चुका है। इस बीच पेपर लीक मामले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। RIMS कंपनी लखनऊ के मालिक राजेश चौहान को एसटीएफ उत्तराखंड ने पेपर लीक करने और केंद्रपाल व अन्य के माध्यम से सौदा करने के सबूत के आधार पर गिरफ्तार कर लिया है। इसी कड़ी में SSP अजय सिंह ने पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने इस मामले से जुड़ी कई कड़ियों का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि RIMS टेक्नो सॉल्यूशन लिमिटेड का स्वामी राजेश चौहान ही प्रश्न पत्र लीक का मुख्य अभियुक्त है, जिसने बड़े स्तर पर लीक करवाया है और कई अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र उपलब्ध कराकर करीब 2 करोड़ का अवैध धन अर्जित किया है। 24 घंटे के अंदर कई महत्वपूर्ण गिरफ्तारियाँ भी हो सकती हैं। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। सभी को विस्तार से थोड़ा बताना चाहूंगा कि 22 जुलाई को परीक्षा लीक मैटर में अनियमितताओं को मिलते माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड महोदय द्वारा जो इसमें तत्काल मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए थे, उसके बाद ही इसमें हमारी एसटीएफ की टीम को भेजना ट्रांसफर हुई थी और इसके बाद सभी हमारी टीमें इसमें कार्यरत हो गई थी और 48 घंटे के अंदर इसमें 6 अभियुक्तों की प्राथमिक रूप से शुरुआत में गिरफ्तारी की गई थी और उसी के बाद से हमारी विवेचना इसमें एक से एक कड़ियों को हम जोड़ते चले और आगे तक इसमें अब तक कुल 26 गिरफ्तारी हो चुकी है।